हे एवरीवन, वेलकम टू सुपर फास्ट रिवीजन एक्सप्रेस। बच्चों, अगर आप क्लास टेंथ में हैं और आपके सारे चैप्टर को मात्र 5 से 10 मिनट में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। यहाँ पर हम सारे चैप्टर्स को मात्र 5 से 10 मिनट में रिवाइज करा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली, और आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हमारी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल्स। आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल की जान और उसके मीनिंग पर चलते हैं, सिमिलर फिगर्स पर। कोई भी फिगर दुनिया का सिमिलर कब होगा? अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगी। और ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं सिमिलर फिगर्स पर। कोई भी दो पॉलीगॉन्स हैं वो सिमिलर तब कहे जाएंगे जब उसके सारे एंगल्स बराबर हों। ठीक है, मतलब दो फिगर हैं, इसके एंगल अगर 30 है, 60 है और एक 90 है, तो इसका भी 30, 60 और 90 होना चाहिए, और दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर कोई सर्कल है तो क्या दो सर्कल सिमिलर होंगे? हमेशा होंगे। दो स्क्वायर सिमिलर होंगे? हमेशा होंगे। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया अगर हमने बात करी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके एंगल हमको दे दिया मान लो 70 डिग्री, एक दे दिया 45 डिग्री और एक दे दिया 65 डिग्री। दूसरा भी हमारा ट्रायंगल सेम है, 45 डिग्री, 65 डिग्री और ये दे दिया 70 डिग्री। ओके, ये ए बी सी, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो बच्चों, जब हमको सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम लिखना है तो वहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। अगर हम यहां से एक ट्रायंगल का नाम जैसा मानो लिख लो एबीसी, लिख दिया एबीसी, इसको सिमिलर बोलना है इसके, तो कैसे करेंगे? यहां पर ए 70, तो यहां पर भी 70 वाला पहले आना चाहिए, पहले आएगा आर, फिर उसके बाद 45, तो यहां पर भी 45, तो आर क्यू पी। अब इसके अगर साइड्स की बात करें तो मान लो ए बी साइड है 1 सेंटीमीटर, ए सी है 2 और बी सी है 3, और इधर हमारा दे दिया है आर क्यू दे दिया 2, क्यू पी दे दिया 6 और पी आर दे दिया 4। तो देखो यहाँ पे ए बी है, ए बी कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लेंगे आर क्यू, आर क्यू कितना है 2, 1 का डबल 2। फिर बी सी साइड पर गए, अगर बी सी साइड कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे किस पे जाएंगे, क्यू पी पे जाएंगे, तो क्यू पी कितना है 6, डबल हो रहा है। अच्छा, फिर ए सी पर गए पहला और आखिरी, तो यहाँ पे आर पी पर जाएंगे, तो यहाँ पर आर पी कितना है 4, मतलब सारी साइड्स क्या हो रही है डबल, तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर। ओके, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको प्रूफ करते भी आना चाहिए वो है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, The other two sides are divided in the same ratio in triangle ABC. ये कहना चाहता है कि अगर एक साइड है, सॉरी, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक लाइन जा रही है जिसको हमने बोला D और E। अगर ये DE लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दोनों साइड्स है ना, ये बराबर रेशियो में डिवाइड होगी, मतलब AD by DB equal to AE बाय ई सी। बच्चों, इसका प्रूफ कई बार आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से। ठीक, कई बार इसका प्रूफ आता है, इसका स्टेटमेंट भी हमको पता होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है? अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है जो कि दूसरी दोनों साइडों को दो भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो जो दोनों साइड्स डिवाइड हुई है वो बराबर रेशियो में डिवाइड होगी। ठीक है, अच्छा, एक इसका कन्वर्स भी है। अब कन्वर्स क्या बोलता है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। ठीक है, थेल्स थ्योरम हमको क्या बोल रहा था, DE इज पैरेलल टू BC, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये होगा। अब क्या बोल रहा है कि भैया अगर कोई लाइन दो साइड को काट रही है और बराबर रेशियो में काट रही है, अब गिवन ये आ गया, तो ये देगा क्या हमको? ये हमको देगा कि DE इज पैरेलल टू BC, जस्ट जो हमने BPT पढ़ा उसका उल्टा होगा, कन्वर्स BPT। ठीक है, मतलब वहां पर क्या था, लाइन पैरेलल दी हुई थी तो रेशियो सेम,
यहां पर रेशियो सेम दिया है तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल। बच्चों इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, या तो बीपीटी को प्रूफ करने को आएगा या तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो इसको पढ़ के जरूर जाना है। अब बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर बोलना है तो उसके अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया हमको पढ़ना है एंगल एंगल एंगल, या फिर इसको हम बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये कह रहा है मान लो कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, या तो तीनों एंगल बराबर दिए हैं या फिर कोई भी दो एंगल बराबर दिए हैं, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ए किसके बराबर है? डी के। तो ट्रायंगल का नाम पहले वाला लिख दो ए बी सी, जैसा लिखना हो लिख लो, सिमिलरिटी का साइन। अब हम बोलेंगे दूसरे वाले में ए किसके बराबर है? डी। तो पहला नाम आएगा डी, फिर बी किसके बराबर है? ई, और ये एफ, ठीक है। अगर हमने ये बोला तो हम फिर वापस ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम, ठीक। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगर इसके अंदर दो एंगल भी सेम दिए रहते तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सेम। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, आगे वाला बोल रहा है साइड साइड साइड। ये बोल रहा है अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो, मतलब ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ और ए सी बाय डी एफ, ये हो रहा है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अगर ये हो जाता है तो हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। अगर हमारी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है तो एंगल्स क्या आ जाएंगे? बराबर। ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके भी नामकरण में ध्यान देना है। ए बी बाय डी लिखा तो ए बी, ठीक है। ए बी साइड के नीचे अगर डी आया तो यहां पर भी ए बी के साथ में क्या आना चाहिए? डी। बी सी के साथ अगर ई एफ आया तो यहां पर बी सी, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? ई एफ। इस चीज का खास ध्यान रखना है। आइए अगले उसमें चलते हैं। अगली वाली बारी बोल रही है कि भैया साइड एंगल साइड। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मान लो ए बी का रेशियो डी के साथ, बी सी का रेशियो ई एफ के साथ, ठीक है, और इनके बीच का एंगल कौन सा है? बी, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये क्या कह रहा है? अगर ये दो साइड्स का रेशियो, ये साइड का और इस साइड का रेशियो इसके साथ और नीचे वाली साइड का इसके साथ, ए बी बाय डी ए बी बाय डी और बी सी बाय ई एफ, इनका रेशियो सेम है और उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी सेम है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? हमारा क्राइटेरिया लगेगा साइड एंगल साइड। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो भाई तीसरी साइड का रेशियो भी सेम और सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपको बुक से या फिर आपकी कॉपी से बीपीटी का प्रूफ देखना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक, जो कि हमने एकदम क्विक रिवीजन, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करवाया है, वो नीचे अवेलेबल है। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाएँ और उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपनी बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आए। बेस्ट ऑफ लक।